सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं मंडे मार्केट में। ये है हमारे पूरनपुर के मंडे मार्केट का बाहर का व्यू। तो आज हम आए हैं शॉपिंग करने, सॉरी आपको दिखाने के लिए। हमारे साथ आ चुके हैं नासिम भाई और पीछे पीछे आ रहे हैं इमरान। तो आज हम चलेंगे अंदर और आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या मिलता है और आप यहाँ पे क्या क्या ले सकते हो। तो इमरान भाई भी आ चुके हैं यहाँ पे विद तशरीफ। तो ये टकला कुछ ज्यादा ही बोलता है, मेरे हाथों किसी दिन खिंच जाएगा ये। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद। नहीं, तुम खुद देख। आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप लोग अगर टुक टुक से आते हैं तो बेहतर है, अगर आप बाइक से आते हैं तो यहाँ पे आसपास आप बहुत सारी दुकानें देख रहे हैं, इनमें से आपको किसी न किसी को रिश्तेदार बनाना पड़ेगा, अपनी रिश्तेदारी निकाल के यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। तो इमरान भाई ने गाड़ी खड़ी कर दी, अब हम फाइनली आ चुके हैं बाजार के अंदर। तो अंदर आके हमने देखा यहाँ पे औरतों की मात्रा बहुत ज्यादा थी, तो वीडियो थोड़ा संभाल कर बनाना पड़ेगी वरना। तो शुरुआत करते हैं हम ये टी शर्ट और पजामे वाली दुकान से। यहाँ पे बहुत सारी टी शर्ट हैं रखी हुई, देखिए पैजामे भी टंगे हुए हैं। तो ये जो हमने देखी इसमें से हमें तो खैर पसंद नहीं आई, लेकिन इसके जब हमने रेट पता किए तो ये टी शर्ट जो नीचे रखी हुई है ये 150 रुपये में, और पैजामे भी यहाँ पे 150 रुपये में मिल रहे थे। आप बेल बॉटम वाला पजामा ले लो या नॉर्मल जो स्ट्रेचिंग वाला होता है वो मिलता है। यहाँ पे चुन्नी वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे देखिए चप्पलें वगैरह, लेडीज़ चप्पलें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अगर आप हम आपको दिखाएं यहाँ पे देखिए टॉवल वगैरह हमें 100-100 रुपये में देखने को मिल जाती हैं, मार्केट में तो हमें बहुत महंगी देखने को मिलती है। ये देखिए हमारे सूट। लेकिन एक सेकेंड बोलो सुबह केसरी। ये देखिए हमारे सूट, सॉरी लेडीज़ के सूट, और यहाँ पे लड़कियों के मतलब पापा की परियों के आपको कुर्ती वगैरह, ये क्या बोलते हैं इन्हें, और ये लौंडों के पैजामे देखने को मिल जाते हैं आपको। आपको छोटे बच्चों के कपड़े से लेके यहाँ पे किचन का सामान भी आपको देखने को मिल जाता है, कप वगैरह, बाकी मग्गा, जो भी आपका किचन का सामान आता है वो मिल जाता है। यहाँ पे देखिए लेस वगैरह जो सूट में लगाई जाती हैं वो भी मिल जाती हैं आपको देखने के लिए। उसके बाद अगर आपको मेरी तरह सेहत बनानी है तो यहाँ पे आपको मुनक्के, काजू बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट वगैरह जितना भी होता है सब देखने को मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे इमरान भाई के लिए मतलब साड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, मच्छरदानी मिल जाती हैं देखने के लिए, और ये आपको देखिए ये क्या है, हाँ ये भी मिल जाता है देखने के लिए यहाँ पे फड़ वाला, हाँ फड़ वाला इसे कपड़ा बोलते हैं, ये फड़ वाला कपड़ा जो होता है थान वाला, ये भी देखने को मिल जाता है। तो साड़ियाँ तो बहुत थी लेकिन नासिम भाई को कोई पसंद नहीं आई, वो अलग की बात है, अलग चॉइस है उसकी। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं अलग अलग रास्ते, लेकिन हम थे तलाश में शर्ट की, शर्ट की हमें कोई भी दुकान नहीं मिली। यहाँ पे देखिए तौलिया वगैरह टंगी हुई हैं लड़कियों की, इधर चप्पलें वगैरह टंगी हुई हैं जो खाने और पहनने दोनों के काम में आती हैं। और इसी तरीके से भटकने के बाद देखिए फिर हम भाई घूम फिर के आ गए मेवा के पास, मेवा वगैरह दाल वूल सब बिकती है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दूसरी दुकान ये लेस वगैरह की, और शर्ट की दुकान ये दिखी तो, लेकिन यहाँ पे सूती शर्ट नहीं थी। तो हम बिना कदम रोके बढ़ते गए आगे, और यहाँ पे औरतों की जो सूट की होती हैं दुकानें, मतलब जिस तरीके का कपड़ा ले लो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लड़कों का बहुत कम सामान मिलेगा, जैसे टी शर्ट वगैरह, शर्ट पैंट बहुत कम मिलेगा, लेकिन लेडीज़ सूट और कपड़ा यहाँ पे बहुत सारा आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ये पर्दे वगैरह जो लगाते हैं वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये भाई साहब अच्छा खासा बात कर रहे थे बाबू, लेकिन हमारे दोस्त ठहरे महाबकलोल, तो आ जाओ इसे ख़राब करें। तो इनसे बेफिजूल की बहस करने लगे मोल भाव को लेके, लेकिन भाई अच्छी आदत का था, इसने कुछ कहा नहीं। लेकिन ये जो मेरे साथ में दो वकील थे इनकी बहुत बुरी आदत है मुजोरी करने की। तो उसके बाद मुजोरी करने के बाद हम बढ़ चुके हैं आगे, यहाँ पे देखिए ये एक और पैंट शर्ट की और पैजामे की दुकान आ गई है। इन वाले भैया के पास हमें पैजामे थोड़े सही लगे, टी शर्ट वगैरह शर्ट वो भी अच्छी थी इनके पास, और इनके रेट भी काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद देखिए ये फिजूल में छू छू के देख रहा था पैजामे, लेकिन मेरे समझ में आया तो ये पजामा। देखिए दूसरी दुकान पे हम आ गए बहस करने के लिए, तो ये खोल खाल के देखने लगे, लेकिन और धोखे से मुझसे पैजामा भी गिर जाता है दूसरा। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे देखिए वॉच वाली दुकान पे, इमरान भाई ये टच वॉच चलाने लगे, ये गरीब है इसने कभी चलाई नहीं है। अगर आप में से किसी के पास ख़राब वॉच पड़ी है तो इसे दे दें, इसकी बहुत दुआएं लगेंगी आपको।
तो यहाँ पे देखिए अलग अलग दुकानें हैं, टावल वगैरह, ये देखिए तोल वाला कपड़ा बिक रहा है, ये सूट वगैरह हैं नासिम भाई के लिए, काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस और बेहतर से बेहतर माल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी दुकानदार होते हैं इनकी दुकान होती हैं मार्केट में, लेकिन मंडे को ये लोग स्पेशल दुकान यहाँ पे लगाते हैं और अच्छे से अच्छा माल यहाँ पे लाते हैं। तो भाई हमें सूती शर्ट तो मिली नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं देखने को मिली और हमने आपको भी दिखाई। तो लेके आया था कि वहाँ पीर बाज़ार में चल रहे हैं, कुछ लेने चल रहे हैं यहाँ, तो हमें शर्ट मिली नहीं। अरे हाँ, शर्ट है पड़ी थी, तुझे ब्लॉग बनाना था नहीं, नहीं। तो क्या हुआ भाई, आपने खरीदा क्यों नहीं? और तुमने क्यों नहीं खरीदा? तो खरीदवाने आए थे तुम्हें। तो दोस्तों ये थी हमारी पीर बाज़ार, और आप लोग अगर आते हैं तो अपना सामान बिल्कुल ना बचाएं, क्योंकि यहाँ पे चोर है ही नहीं, क्योंकि इमरान भाई चोर असली असली चोर ये है। तो यही था आज के ब्लॉग में। तो रेट बहुत सही है, नासिम भाई ने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, हमने भी शॉपिंग कर ली। तो ये था आज का ब्लॉग, और काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आया था, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।